स्वागत है। मेरा नाम मोहसिन सिद्दीक है और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लेलिस्ट पे अपने वीडियोस को किस तरह से ऐड करेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई है, आप सबसे पहले तो चले जाए अपने वीडियो मैनेजर के ऊपर। ये आपके वीडियोस आ गई हैं, प्लेलिस्ट आपने देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाएंगे, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके नाम आप चेंज कर सकते हैं, न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं। लेकिन हम वापस कोर्स पे आएंगे। जैसे लिस्ट एम्प्टी दिखा रहा था यहाँ पे, तो जो वीडियोस आपने अपलोड करी हैं, इसके जब थंबनेल पर आप माउस ओवर करेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस का साइन देता है। तो प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्लेलिस्ट दिखाएगा और ये आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो जाएगी। इस पर क्लिक कर दिया। नोट अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, वरना ये आपकी प्लेलिस्ट पे ऐड हो चुकी है। अब इसको बंद कर दें। उसके बाद वापस प्लेलिस्ट पे आए, यहाँ पे क्लिक करा था तो ये आपके मैनेजमेंट बनोवन पे आपकी वीडियो यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप सारी वीडियोस के थंबनेल, जो उसकी पिक्चर वगैरह थंबनेल जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये देखिए आपकी वीडियो विजिबल हो गई है। बैक कर हमने दोबारा आपको बता देते हैं कि हर वीडियो जो आप अपलोड करी, वीडियो का वीडियो मैनेजर से जाके आ सकते हैं या माय वीडियोस जिसको वीडियोस लिख के आ सकते हैं। यहाँ पर आके किसी भी वीडियो को प्लस का साइन लाएंगे, आप उसको फिर किसी भी प्लेलिस्ट पर अपनी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।